माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो भी एक मैच होने वाला है रशियन प्रीमियर लीग का, लोकोमोटिव मॉस्को वर्सेस एनआईएन के बीच 1 घंटे 4 मिनट के बाद। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो लोकोमोटिव मॉस्को और एनआईएन के बीच ये जो मैच होने वाला है इसमें मैं फेवर करूँगा लोकोमोटिव मॉस्को को। और मतलब आज के दिन वैसे काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट पता नहीं इन्हीं 3-4 मैच कवर कर चुका हूँ सुबह से, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है सब में। अब होपफुली ये भी अच्छा जीतो, तो लेकिन ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूँ। और जो प्लेयर नहीं खेलते भाई वो तो बदल लिया करो, मतलब अजीब ही हो। रेड लाइनअप्स प्लेयर को मैंने कैप्टन रखा हुआ था पिछले मैच में, वो खेला नहीं और उसके साथ कई लोगों ने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। अरे भाई इतना दिमाग तो सब में होता है कि प्लेयर लाइनअप से बाहर है तो प्लेयर बदल लें, तो इतना तो करा करो कि मतलब पूरी कॉपी धोना कर दोगे। 11 के 11 प्लेयर पूरे कॉपी कर दिए हैं, जिसमें 2 खेल नहीं रहे वो भी लगा दिए, वो तो बदलोगे भाई ऐसे कैसे जीत जाओगे। बात करें गोलकीपर की, तो यहाँ पर है निकिता ग्योलो इज़ अ नॉर्मल प्लेयर। एनआईएन को मैंने आज तक खास फेवर नहीं किया, तो लोकोमोटिव मॉस्को के सामने कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं ग्योलो को लूँगा एज अ पेनल्टी एंड गोल सेवर। आगे से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है नेयर, तो नेयर को भी लेना पड़ेगा, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं वैसे में देखा जाए तो। लोकोमोटिव मॉस्को हो सकता है 3 डिफेंडर खिलाएं, और अगर 3 डिफेंडर खेलते हैं तो उसमें फ़ायदा किसका है, आपका और मेरा, क्योंकि इसके अंदर फिर हम इसको ले पाएंगे क्योंकि मेरा अलेक्सी छूटा हुआ है, और अलेक्सी को छोड़ने का मतलब है रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क। आगे से अगर मैं बात करूं, देन यहाँ पर है नेक्स्ट प्लेयर जो कि है डेमित्री जीवो है सेकंड डिफेंडर, जो कि हो सकता है कि अगर मेम्पासी नहीं खेलेगा तो इसको चांस मिलेगा तगड़ा, सो वी आर ट्राइंग दिस प्लेयर। एंड आगे से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर है टी जेड वैज इज़ अ नॉर्मल प्लेयर जो कि 3rd डिफेंडिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट हाईली सिलेक्टेड डिफेंडर रह चुका है, लेकिन जितना नाम इसका है ना उतना काम इसका है नहीं, मतलब देखा जाए तो ये उतना बेस्ट है नहीं जो इतना लोग इसके पीछे भागते हैं, मतलब मैं भी अपना भी नाम ले रहा हूँ इसमें। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है मैक्सिम नैनकोव जो कि 4th डिफेंडिंग करेगा, हो सकता है कि कोई अदला बदली चेंजेस हों, क्योंकि चेंज अगर डिफेंडिंग में ऑप्शन देखे जाएँ तो लोकोमोटिव मॉस्को के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, भगवान ना करें इनके 2-3 प्लेयर इंजर्ड हो जाए ना, इनके पास डिफेंडिंग ना बचे आने टाइम पे, फिर इनके पास डिफेंडर ही नहीं है एक्स्ट्रा। और एनआईए टीम उल्टी है, एनआईएन टीम एक बार में अपने 4 के 4 प्लेयर सब्स्टिट्यूट करके भी खिला सकती है, तो डिफेंडिंग के मामले में एनआईएन ज्यादा अच्छी है। आगे फिर भी मैं इनके ले रहा हूं, कोई बात नहीं। आगे से बात करें जेमा की, रिफट जेमा पिछले सीजन भी सबसे ज्यादा गोल करके गया था, प्लस इस सीजन की शुरुआत में पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि शुरुआत फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन क्या डलता है वो पता चल जाएगा। और आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहां पर है डेमित्री स्टॉटकिस की, जो कि मैं इस प्लेयर को एज अ नॉर्मल प्लेयर ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लेयर ले रहा हूँ गुरबनोव को, हालांकि गुरबनोव का इतना खास काम नहीं है, आप गुरबनोव की जगह चाहें तो एन क्लिंस्की को ले सकते हो, बाकी चेंजेस और भी कर सकते हो, लेकिन राय दूंगा कि ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा इस टीम में। एंड आगे से अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन आप इसको भी जानते हैं कि तिमूर जो प्लेयर है ये नॉर्मल रहा है, जबकि क्रोटोव इसकी जगह ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्रोटोव पे रिस्क अल भला कौन ले, क्योंकि क्रोटोव अगर फ्लॉप होता है और अगर ये एक असिस्ट भी करता है तो भी आपके हारने के चांसेस 2 गुना हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता। तो बात करें गर्क की, देन यहाँ पर है ग्रियानो गर्क और एफ कमानो में से हमेशा से एक प्लेयर खेलता आ रहा, तो मुझे डाउट है कि कमानो ना तो फॉर्म में है ना ये इतनी मैचेस खेला है, ठीक है, ये के दो वो है नेगेटिव पॉइंट्स। और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो जी कर्क कंसिस्टेंसी में खेल रहा है और चल रहा है, हर 2-3 मैच में 1-2 गोल देखने को मिल रहे हैं इस प्लेयर के और 1 आधी असिस्ट। और वहीं मैं डब्ल्यू इजीडर की बात करूँ तो विल्सन इजीडर इससे भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जबकि इजीडर एक टाइम पे 8 क्रेडिट में मिल जाता था और इसे कोई लेता नहीं था, आज वही प्लेयर 9.5 क्रेडिट का है और सबकी टीम में होगा ये बंदा। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जेमा, वाइस कैप्टन है इजीडर, ये है सेफ टीम। अगर थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हो कैप्टन इजीडर को कर सकते हो, वाइस कैप्टन जेमा को, ये मेरी रिस्की टीम है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।